इलेक्शन के बारे में? देखिए, संजयपुर के लोगों को बार बार ठगा गया है, चाहे वो मीडिया की, मीडिया भी अगर आती है तो संजयपुर के बारे में सिर्फ आतंकवाद की नर्सरी और यही सब दिखाती है, लेकिन कभी ये नहीं दिखाती कि कहाँ यहाँ इंटर पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं है, बेसिक ज़रूरत जो लोगों को होती है हेल्थ की वो है कि नहीं है, या जो यहाँ आम का बहुत बड़ा एरिया है, आम बेचने के लिए यहाँ मंडी है कि नहीं है, बहुत सारी जो ज़रूरत आजमगढ़ के, संजयपुर के बच्चों की, उसकी ज़रूरत के बारे में मीडिया में नहीं लिखती, ना सरकार भी लिखती है। अगर किसी को हाई स्कूल करना है यहाँ संजयपुर में तो 10 किलोमीटर दूर जाना होता है हाई स्कूल करने के लिए, बीना पारे या मोहम्मदपुर। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस पर भी तो बात होनी चाहिए, सरकार के नुमाइंदे भी इस पर बात करें, मीडिया भी इस पर बात करें, सिर्फ आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। दुनिया में कहीं कुछ होता है, संजयपुर का नाम सीधे सीधे आता है। इन सब चीज़ों का जो मुलायम सिंह ने घोषणा पत्र जारी किए थे पहली बार 18 पॉइंट्स पे, एक भी काम नहीं हुआ, और ये एक रुझान बन रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ लालीपॉप उन्होंने दिखाया, और रोड पे सिर्फ चिल्लाती हैं, धरने करती हैं, लेकिन जहाँ कानून बनता और बिगड़ता है वहाँ इन्होंने मुस्लिम इशूज को कभी नहीं उठाया, विधानसभा या पार्लियामेंट में कभी मुस्लिम इशूज पर उन्होंने बोला नहीं, ना ही कुछ किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से समाजवादी पार्टी में फूट हुई है और अखिलेश उसके बिल्कुल बड़े नेता बन गए हैं, उनके पिताजी शिवपाल दूसरी तरफ हो गए हैं, तब से अखिलेश का माइनॉरिटीज़ के प्रति रुझान भी कम हो गया है, क्या बात सही है? ये सही है, जैसे बार बार ये कहा जाता है कि अरे वो 3.5 मुख्यमंत्री थे इसलिए अखिलेश कुछ नहीं कर पा रहे थे, अभी अकेले मुख्यमंत्री है इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे, तो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं। अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया ने केस जीता जमीन का, ये चले गए हाईकोर्ट, 12 लड़के बेगुनाह छूटे, ये चले गए हाईकोर्ट, ये दिखा रहे हैं अखिलेश। बहुत सारे लड़के, आपने कहा था कि बेगुनाह लड़कों को हम छोड़ेंगे, और जो छूट रहे उसके खिलाफ भी आप हाईकोर्ट जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, और इस बार मैनिफेस्टो मुसलमान लफ्ज भी इनके गायब है, कहीं कैंपेनिंग मुस्लिम लफ्ज की बात नहीं कर रहे हैं, सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा तक गायब कर दिया इन्होंने। क्यों किया होगा ऐसे? बस समाजवादी और बीजेपी में जो डीलिंग हुई, इलेक्शन का एक माहौल बनाना है कि मुस्लिम लफ्ज छोड़ो। तो इस बार मुस्लिम वोटर किधर जाएगा? मुझे लग रहा है कि पूरे यूपी में पहली बार जिस तरह से उलमाओं ने भी अपील किया है और मुसलमानों का एक रुझान बीएसपी की तरफ हो रहा है, अब तक बीएसपी को इतना वोट नहीं मिला हो जितना इस बार पहली बार 40% 50% या 70% भी जा सकता है। तो पर बीएसपी ने तो कुछ कहा ही नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी। देखिए, बीएसपी ने कभी मुसलमानों के लिए कोई वादा नहीं किया स्पेशली। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सुरक्षा चाहिए, जब हम जीवित रहेंगे उसके बाद बाकी योजनाओं की ज़रूरत हमें पड़ेगी। एक तो ये सुरक्षा का अगर आप देखेंगे सपा और बसपा में तो बीएसपी में ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ ये है कि बीएसपी ने बहुत सारे काम किए हैं लेकिन दिखाई नहीं देता लोगों को, जबकि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा सपा को वोट दिया, तो अपेक्षा तो सपा से होनी चाहिए, लेकिन हम बीएसपी से भी लोग करते हैं। जब बातचीत होती है कि बीएसपी को क्यों, बीएसपी ने कुछ किया नहीं, जैसे आप मदरसा बोर्ड बीएसपी ने ही कायम कर दिया, या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बीएसपी ने किया, बहुत सारे इस तरह से टेक्निकल चीज़ जो की, जो एजुकेशन मुसलमान आगे जा सकते हैं, बीएसपी ने किया, लेकिन उसका जो प्रचार तंत्र है या उनकी जो मुस्लिम लीडरशिप है, उन्होंने वो चीज़ें गांव तक नहीं पहुंचा पाए। ये साबी या जिस तरह से भी अखिलेश का होर्डिंग बैनर दिख रहा है, उस तरह से ब्रांडिंग नहीं किया काम को। तो किसी ने पूछा बीएसपी से कि जो लोग बाटला हाउस में बंद हैं या जो एनआईए के कब्जे में हैं, उनको कैसे छुड़ाएगी बीएसपी? देखिए, बीएसपी का जो अभी बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि हम एक आयोग बना, जांच आयोग बना के जो बेगुनाह उनको छोड़ेंगे। दूसरी, जहाँ तक बटला हाउस इनकाउंटर का सवाल है, अकबर अहमद डंपी उस वक्त एमपी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया, रुमाल बांध के वो जो भी चीज़ें थी जिस तरीके से करते थे पार्लियामेंट में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बीएसपी का ही सांसद था, इलियास आजमी भी थे उस वक्त, वो भी बीएसपी के सांसद, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ी बड़ी जनसभाएँ तो हर जगह की, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट में नहीं बोला, जबकि उन्हीं की सरकार की मदद की वजह से वहाँ कांग्रेस सरकार चल रही थी। अगर समाजवादी पार्टी ये कहती कि बटला हाउस इनकाउंटर की जाँच कराइए, नहीं कराएंगे तो हम समर्थन वापस लेंगे, अगर कराते तब भी सपा हीरो थी, नहीं कराते तब भी सपा हीरो थी, लेकिन उस पर उन्होंने बात ही नहीं किया, उस मुद्दे को दबाए रखा समाजवादी पार्टी ने। तो आप क्या सोचते हैं, इस बार बहुत जोर शोर से वोटिंग होगी? हाँ, इस बार जो उत्साह दिख रहा है बीएसपी के पक्ष में, इतना उत्साह कभी नहीं था।